हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ही बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाली हूँ कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे मिला है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कोरोना वायरस का, और उसकी वजह से यहाँ पे काउंसिल ने डिसाइड किया है कि यहाँ होने वाली है मास टेस्टिंग। काउंसिल ने कहा था कि किसी किसी के घर में टेस्ट किट पहुँचेगा, किसी किसी के घर में टेस्ट किट नहीं भी आ सकते। तो हम लोग जो हैं, हम लोग उस कैटेगरी में हैं जिनके घर में टेस्ट किट नहीं पहुँचे, तो हमें एक कॉमन टेस्टिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, एक मोबाइल टेस्टिंग सेंटर जो कि काउंसिल ने ही अरेंज किया है। और इस एरिया के जितने भी लोग हैं वहाँ जाएंगे और अपने टेस्ट करवाएंगे। और ये जो टेस्टिंग है वो उन लोगों के लिए है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके पास कोरोना का कोई सिम्टम है वो इस टेस्टिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक, हम लोग को अभी तक कोई सिम्टम नहीं हुआ है अल्लाह के रहमत से। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो टेस्टिंग सेंटर हम जब जा रहे हैं वो सिर्फ टेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो कि माइनर नहीं है, यानी 16 इयर्स एंड अबव के लिए है, और जो इस एरिया में ही रहते हैं, माने कोई यहाँ पे काम करने भी आ सकता है इस एरिया में, तो उनके लिए नहीं है। और ये कंपलसरी टेस्टिंग है, सबके लिए ही है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस एरिया में कुछ दिन पहले एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का कोरोना वायरस मिला है। तो और जिस इंसान को ये कोरोना वायरस का वेरिएंट मिला है वो कभी भी साउथ अफ्रीका गया ही नहीं। तो इसके लिए काउंसिल ने ये सोचा कि इस पूरे एरिया को ही देखा जाए, छानबीन किया जाए कि कहाँ से ये सोर्स निकला है, और जहाँ अगर ये कहीं और ये सोर्स का कुछ पता चले तो उस जगह को, उन सब लोगों को एक आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो एक प्रिकॉशनरी तौर पे ये मेजर उठाया गया है। तो अब हम टेस्टिंग साइट में पहुँच चुके हैं और यहाँ बारिश भी हो रही है और लगी है लंबी लाइन, आप देख सकते हैं। टेस्टिंग साइट में पहुंच चुके हैं और काफ़ी सारे काउंटर्स ऑपरेट भी हो रहे हैं, और साथ ही काफ़ी तेज़ बारिश और काफ़ी तेज़ी हवा भी चल रही है। अब हमारा स्वैब टेस्ट ख़त्म हो चुका है और 24 घंटे में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। और अभी आप देख भी सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ। इस वक्त यूके में थर्ड लॉकडाउन भी चल रहा है यूके वेरिएंट की वजह से, और अब ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी आ गया है जिसके बारे में किसी को कोई अभी नॉलेज नहीं है। तो अगर हमारा ये कोविड टेस्ट उस स्टडी में कुछ हेल्प कर सके तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।